Welcome to the video series of Business Law and Taxation. In this video, we will be covering the basic concept of offer. के offer क्या होती है? सही है, उसकी सबसे पहले हम इसकी definition को cover कर लेते हैं. Offer, when one person signifies his assent to do or to abstain. मतलब एक शख्स अगर अपनी ख्वाहिश का इजहार करे, अपनी रजामंदी का इजहार करे टू डू कुछ काम करने के बारे में और टू एब्सटेन और कुछ या कुछ ना करने के बारे में, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग असेंट ऑफ डेट अदर. यानी जो वन पर्सन है वो ये कहे कि मैं ये करूँगा या ये मैं ये नहीं करूँगा और वो किसी दूसरे पर्सन को ये एड्रेस कर रहा हो, सही है कि टू सच एक्ट यानी कि वो ये काम करने वाला है और एब्सटेनेंस या वो ये काम नहीं करने वाला. ही इज़ सेट टू मेक अ प्रपोजल. यस, ऑफर के लिए एक दूसरा वर्ड प्रपोजल भी किया जाता है, तो ऑफर एंड प्रपोजल आर सेम. सो व्हाट आर द पार्टीज ऑफ ऑफर? तो देयर आर टू पार्टीज ऑफ ऑफर. वन इज ऑफरर एंड सेकंड इज ऑफरी. द पर्सन हु इज मेकिंग अ प्रपोजल इज सेट टू बी ऑफरर या प्रपोजर. सही. And the person to whom offer is being made is known as offeree or proposee. So there are two parties of now moving toward the essentials of valid offer. What are the essentials जो के किसी offer को valid बनाएंगे? There are some consideration, there are some conditions, कुछ लवाजमात हैं जिसकी वजह से किसी भी हम offer को valid offer कहेंगे. तो वो सबसे पहली condition क्या है? That offer मे बी आइदर एक्सप्रेस और मे बी आइदर एम्प्लॉयड. अब एक्सप्रेस से मुराद क्या है? एक्सप्रेस से मुराद इट मे बी इन फॉर्म ऑफ के आपको वर्बल फॉर्म में नज़र आ रही हो, ये ओरल में भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है. एक्सप्रेस का मतलब क्या है? वर्बल या ओरल दोनों. इसकी एग्जाम्पल, एम सेज टू एन डेड ही विल सेल हिज मोटरसाइकिल टू हिम फॉर ₹40,000. इट इज़ एन एक्सप्रेस ऑर्डर. अब वो अगर जस्ट बोल रहा है, बोल के कर रहा है तो भी एक्सप्रेस है, अगर वो लिख के दे रहा है तो भी एक्सप्रेस है. बट व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉयड ऑफर? इसमें अगर हम बात करते हैं, सपोज करें और रेलवे कूली कैरीज द लगेज ऑफ बी विथआउट आस्किंग टू डू सो. भाई एक ट्रेन रुकी, ट्रेन में से एक पैसेंजर उतरा, उसके हाथ में लगेज था, उसने अभी उतरने के बाद अपना बैग नीचे ज़मीन पर रखा है, एक कूली भागता हुआ आया और उसने वो उठा लिया, पूछा भी नहीं. तो अगर आप उसे मना नहीं कर रहे तो टेक्निकली सही है, वो कुली ऑफ़र कर रहा है, लेकिन ये ऑफ़र की कौन सी टाइप है? इम्प्लाइड फॉर्म ऑफ वैलिड ऑफ़र. ये ऑफ़र भी वैलिड है. आपको क्या करना चाहिए? मना करना चाहिए. ठीक है, हम इसको आगे डिस्कस कर रहे होंगे कि रिजेक्शन किस ऑफ़र या रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र के टॉपिक्स जब अगली वीडियोज़ में आएंगे तो उसको हम कवर कर रहे होंगे. लेट्स मूव टूवर्ड दिस सेकेंड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफ़र. वो क्या है? इट शुड बी क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन. ऑफर वैलिड कब होगी? किसी तरह की लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो. अब लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल रिलेशन से क्या मुराद है? सपोज करें मैं अपने दोस्त को डिनर पे इनवाइट करता हूँ, मैंने उसे ऑफ़र की, उसने एक्सेप्ट भी कर ली, ठीक है, लेकिन वो अपीयर नहीं होता, तो क्या किसी किस्म का लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा? किसी किस्म का लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगा? नहीं. तो इट इज़ जस्ट अन सोशल ऑफ़र कि सोशली आप ऑफर कर रहे हैं. हम बिजनेस लॉ में जब कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो उसके लिए इट इज़ मस्ट के जो भी ऑफ़र हो वो वैलिड होनी चाहिए. नाउ द थर्ड एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफ़र, इट शुड बी डेफिनेट एंड क्लियर. अब डेफिनेट एंड क्लियर से वो क्या मुराद है? इफ़ द टर्म ऑफ एन ऑफ़र आर नॉट डिफाइन और क्लियर, इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ वैलिड ऑफ़र. एग्जाम्पल के बाद पे तो पॉइंट ऑफ से बात करते हैं. सपोज करें I have two motorcycles, सही है? I offered someone के I want to sell one of my motorcycle to you at a specified price, let's say ₹50,000. So, but I am not explaining, I am not identifying कि मैं कौन सी वाली motorcycle की बात कर रहा हूँ. तो technically it won't be classified as valid offer because offer में जो भी subject matter है, जो भी item exchange करने की बात की जा रही है वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, डिफाइन नहीं है कि किसकी बात कर रही है, वेग है. ठीक है, तो जब तक अगर ऑफ़र में डेफिनेट और क्लियर नहीं होगी तो वो वैलिड ऑफ़र नहीं कहलाएगी. नेक्स्ट, फोर्थ एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफ़र इज़ इट शुड बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल.
So what do you mean by specific or general? Mistake. Pause. Okay. When an offer is made to a specific person or group of person, it is called a specific offer. A specific offer can only be accepted by the person or the group of person to whom it was made, whereas a general offer is made to public in general and it may be accepted by any person who fulfills the conditions mentioned in it. For example, makes an offer to N. A person is offering something to N. For example, let's say he is offering to sell his motorcycle for rupees something. This, it is a specific offer. In this case, only N can accept it. मिसाल के तौर पर मैं अपने कज़न को बाइक ऑफ़र कर रहा हूँ कि भाई वैसे तो बाइक लेट से 50,000 की है, बट मैं तुम्हें 40,000 पर सेल करने के लिए तैयार हूँ. तो मैं अपने कज़न को ये ऑफ़र कर रहा हूँ, साथ में मेरा दोस्त खड़ा है. अगर वो कहे ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये बात, तो क्या वो एक्सेप्ट कर सकता है? टेक्निकली नहीं. वाई? बिकॉज इट इज़ ए स्पेसिफिक ऑफ़र. हियर इज, अगर मैं ये कहूँ कि मैं अप इफ़ आई से समथिंग लाइक दिस कि आई एम गोइंग टू सेल माई मोटरसाइकिल बाइक 8 rupees 60,000, सही है? सो हु वॉन्ट्स टू बाई इट? तो यहाँ पर उस वक्त अगर साथ में मेरा कज़न और मेरा दोस्त दोनों मौजूद हैं, तो बोथ ऑफ देम कैन एक्सेप्ट दिस ऑफ़र बिकॉज इट इज़ जनरल ऑफ़र. और इसको अगर एक और एग्जांपल के तौर पे सपोज़ करें कि कोई न्यूज़पेपर में ये अनाउंस करता है कि कोई भी अगर मेरी कोई भी चीज़ ढूंढ के लाएगा तो मैं उसको 1,000 rupees रिवार्ड दूंगा, इनाम दूंगा. तो ये जनरल ऑफ़र है. तो जो भी उसको सर्च करेगा, उसको देखा जाए तो टेक्निकली जनरल ऑफ़र के वजह से मुझे उसको रिवार्ड पे करना होगा. नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द फिफ्थ एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफ़र. इट शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड विद ऑफरी. यानी ऑफरी को मालूम होना चाहिए. आप एक ऑफ़र कर रहे हैं, एन ऑफ़र इज़ वैलिड ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज़ कम्युनिकेटेड टू ऑफ़र. आपने ऑफ़र कर दी मिस्टर ए को और मिस्टर ए को मालूम ही नहीं है, तो क्या ये वैलिड ऑफ़र होगी? नहीं. जब तक उसको इसकी नॉलेज में नहीं आएगा तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगी. और जब कम्युनिकेशन कंप्लीट करना किसी भी वैलिड ऑफ़र के लिए ज़रूरी है कि जिस भी पर्सन को ऑफ़र किया जा रहा है, यानी ऑफरी टाइप पार्टीज ऑफ ऑफरी हमने डिस्कस किया हुआ था, तो उस तक जब ये नॉलेज में आएगा तब वो प्रॉपरली कम्युनिकेट होगा. सो लास्ट पॉइंट इज़ क्रॉस ऑफ़र. क्रॉस ऑफ़र के बारे में मैं कहूँगा कि व्हेन टू पार्टीज़ मेक सिमिलर ऑफ़र टू ईच अदर, सही है, तो इट इज़ कॉल्ड क्रॉस ऑफ़र. और जब भी क्रॉस ऑफ़र हो जाए, यानी ए कहता है कि मैं तुम्हें इतने पे सेल करना चाह रहा हूँ, बी भी कहता है मैं तुम्हें इतने उनसे इतने पे बाय करना चाह रहा हूँ, तो ये टेक्निकली किस में फॉल करेगा? क्रॉस ऑफ़र, सही है, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस ऑफ़र. तो द एक्सेप्टेंस ऑफ क्रॉस ऑफ़र डज नॉट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. टेक्निकली अगर दोनों एक ही साथ इनिशिएट कर रहे हैं, सही है, एक दूसरे को एट अ टाइम, तो वो क्रॉस ऑफ़र में आएगा. क्रॉस ऑफ़र टेक्निकली वैलिड ऑफ़र में नहीं फॉल करेगा, और वैलिड ऑफ़र में अगर फॉल नहीं करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लेवल में इंटर नहीं होगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ ऑफ़र रिलेटेड बेसिक चीज़ें कवर की.